हेलो एवरीवन, आज के सेशन में हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इनमें से कौन सा एपी है। इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट थ्री मोर टर्म्स। और मान लो सबसे पहले अगर एपी है तो उसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, और उसके बाद इसके अलावा इसके तीन और टर्म फाइंड करनी है, यानी कि ये जो चार टर्म दिए हुए इसके बाद तीन टर्म और फाइंड करना है। तो आइए बारी बारी से फाइंड करते हैं। तो ये जो आपका गिवन सीरीज है 2, 4, 8, 16, तो इसमें सबसे पहले कॉमन डिफरेंस डी फाइंड करेंगे। तो डी फाइंड करने के लिए सिंपली क्या करना होगा, सेकेंड टर्म यानी कि ए टू माइनस ए वन। ए टू आपका है 4 जो कि सेकेंड टर्म है और फर्स्ट टर्म 2 है, तो यहाँ पर डी आ गया 2। इसके अलावा एक बार और चेक करेंगे ए थ्री माइनस ए टू, कॉमन डिफरेंस सिंपली निकालते हैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या फिर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, या फिर फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। इस टर्म को लेते हैं और इसको माइनस करते हैं, तो ए थ्री है आपका 8 और ए टू है आपका 4, सिंपली 4 हो गया। और ए फोर माइनस ए थ्री, हमें कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म घटाना होगा, या फिर थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म, इसको चेक करना होगा बारी बारी। ए फोर है आपका 16, में से 8 माइनस करोगे तो सिंपली 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो ये 2, 4, 8 कॉमन डिफरेंस आया है, तो डिफरेंस सेम नहीं है। यहाँ पे लिखोगे जो कॉमन डिफरेंस है कॉमन डिफरेंस इज नॉट द सेम, एवरी टाइम कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। देयर फोर यहां पर सिंपली देयर फोर द गिवेन सीरीज इज नॉट एन एपी, द गिवेन सीरीज आर नॉट फॉर्मिंग एन एपी, तो ये एपी नहीं बना रहा है, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है आपका, सिंपली इसमें डी फाइंड करो। तो ये क्या करोगे, ए टू माइनस ए वन करोगे, 5/2 - 2 एलसीएम लोगे तो 2 होगा, 5 - 2 = 4 एलसीएम लेंगे 2 होगा, मल्टीप्लाई करेंगे 4 होगा, तो सिंपली 1/2। देन ए थ्री माइनस ए टू, 3 - 5/2 सिंपली एलसीएम लोगे तो 6 हो जाएगा, -5/2 तो ये हो जाएगा आपका 1/2। और एक बार और चेक करेंगे हम लोग, जो कि करेंगे ए फोर, ए फोर माइनस ए थ्री, ए फोर है आपका 7/2 - 3 एलसीएम लेंगे तो 2 होगा, 7 - 6 यहाँ से 1/2। तो आप देख सकते हो ये जो सीरीज है ये एपी में है, तो लिख देंगे सिंपली कॉमन डिफरेंस सी डी, कॉमन डिफरेंस इज सेम, देयरफॉर डी इज इक्वल टू 1/2 एंड द गिवन सीरीज आर इन ए पी, और ये ए पी में। और इसके बाद नेक्स्ट थ्री टर्म भी निकालना है, सिंपली द नेक्स्ट थ्री टर्म्स, तो किस तरह से फाइंड करोगे। देखो ए फोर तक तो निकला हुआ है, तो सिंपली ए फाइव करेंगे। तो ए फाइव क्या होता है, सिंपली जो आपका ए फोर प्लस डी है, ए फोर कितना है आपका, ए फोर है आपका 7/2 + 1/2 जो कि कॉमन डिफरेंस है, और यहाँ पर एलसीएम लोगे तो 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 8, सिंपली 4 आ गया। अब ए सिक्स क्या हो जाएगा, जो कि होगा आपका ए फाइव प्लस डी,
कि 4 + 1/2। सिंपली ये करोगे तो ये हो जाएगा आपका 9/2, और A7 निकालोगे तो 9/2 + 1/2 तो ये आपका हो जाएगा 5। तो बस इतना ही करना था इस क्वेश्चन में। सिंपली D निकालो जो कि आपका है A2 - A1, जो कि आपका -3.2 - -1.2, ये आपका हो जाएगा -2। ये माइनस माइनस प्लस होगा, और 3.2 में से 1/2 घटाओगे तो -2 हो जाएगा। देन A3 - A2 करोगे तो -5.2 - -3.2, ठीक है, इसको करोगे तो ये आपका हो जाएगा इज इक्वल टू -2। और A4 - A3 करोगे तो सिंपली -7.2 - -5.2, तो यहाँ से ये भी हो जाएगा -2। सिंपली दे सकते हो जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस इज सेम, और D इज इक्वल टू यहाँ से हो गया आपका -2, एंड गिवन सीरीज आर इन, गिवन सीरीज आर इन AP, गिवन सीरीज AP में है। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट थ्री टर्म्स, नेक्स्ट थ्री टर्म्स क्या क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका A5 जो कि होगा -7.2 - 2 - 9.2, फिर होगा A6 जो कि होगा -9.2 - 2, होगा -11.2, और होगा A7 जो कि होगा आपका -11.2 - 2, तो होगा -13.2। बस इस क्वेश्चन में इतना ही करना था। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। सिंपली यहाँ पे आप कॉमन डिफरेंस निकालो, जो कि होगा आपका A2 - A1, होगा आपका -6 - -10, तो ये हो जाएगा +4। देन उसके बाद A3 - A2, तो ये करोगे तो ये -2 - -6, यहाँ से A4 होगा A4 - A3, सिंपली 2 - -2, ये हो जाएगा आपका 4। तो यहाँ पे D इज सेम, और ये सीरीज सीरीज आर इन AP, ये सीरीज आपका AP में। नेक्स्ट थ्री टर्म निकालो, कॉमन डिफरेंस कर दो। नेक्स्ट थ्री टर्म्स, A5 जो भी आपका होगा क्या 2 + 4 = 6, A6 6 + 4 = 10, और A7 हो जाएगा 10 + 4 = 14। तो बस इस क्वेश्चन में इतना ही करना था। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ। D इज इक्वल टू सिंपली A2 - A1 करोगे, 3 + √2 - 3 करोगे तो 3 3 कट जाएगा, तो सिंपली क्या बचेगा, √2 बच जाएगा। देन उसके बाद A3 - A2 करोगे तो A3 है आपका 3 + √2 - 3 + √2, तो सिंपली 3 + √2 - 3 - √2, तो सिंपली ये और ये कट जाएगा, √2 - √2, तो सिंपली √2 हो जाएगा। और A4 - A3 करोगे 3 + √2 - 3 + √2, तो ये करोगे तो यहाँ से भी आपका √2 हो जाएगा। तो सिंपली लिखोगे कॉमन डिफरेंस इज सेम, और
डी इज इक्वल टू रूट टू, डी यहां से रूट टू आ गया, एंड गिवन सीरीज आर इन एपी, ये सीरीज है ये एपी में, सिंपली A5 निकालोगे जो कि आपका क्या है 3 + 3√2, और प्लस रूट टू करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 + 4√2। नेक्स्ट थ्री टर्म्स यहाँ पे लिख लो, A6 आपका 3 + 4√2, प्लस रूट टू करोगे तो 3 + 5√2, 5√2, और सेवेंथ आपका हो जाएगा 3 + 5√2, प्लस रूट टू, यहाँ पर हो जाएगा 3 + 6√2। तो बस इस क्वेश्चन में इतना ही करना था। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आपका A2 - A1, सिंपली करो 0.22 - 0.2, तो यहाँ से आपका 0.02 होगा। A3 - A2 करोगे आपका 0.222 - 0.22, तो यहाँ से 0.002 होगा। और A4 - A3 तो यहाँ से सिंपली 0.2222 - 0.222, जो कि हो जाएगा 0.0002। तो यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है इज नॉट सेम, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, ठीक है, और देयरफॉर द गिवन सीरीज आर नॉट इन एपी, दिस सीरीज इज नॉट इन एपी, दिस सीरीज आपका एपी में नहीं है, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में। सिंपली A2 - A1 करोगे, सिंपली -4 - 0, यहाँ से -4 हो जाएगा। A3 - A2 करोगे तो यहाँ से -8 - -4, तो यहाँ से -4 हो जाएगा। और A4 - A3 करोगे तो सिंपली -12 - -8, तो यहाँ से -4 हो जाएगा। सिंपली लिखोगे कॉमन डिफरेंस इज सेम, इसलिए दिस सीरीज फॉर्म्स एन एपी, एपी में है। और यहाँ से आपका डी क्या आ गया, डी आपका आ गया -4, एंड ठीक है। अब नेक्स्ट फोर, नेक्स्ट थ्री टर्म्स निकालना है जो कि आपका A5 है। तो सिंपली -12 - 4, उसके बाद -16 - 4, और -20 - 4, यहाँ से ये यह आपके नेक्स्ट तीन टर्म्स आ गए। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे सिंपली सबसे पहले तो कॉमन डिफरेंस निकालो A2 - A1, जो कि आपका होगा -1/2 - -1/2, सिंपली 0 हो जाएगा। और A3 - A2 भी करोगे तो भी 0 होगा, और A4 - A3 करोगे तो भी 0 होगा। तो तीनों केस में 0 हो गया, लिख दोगे कॉमन डिफरेंस इज सेम, ठीक है। डी इज इक्वल टू 0 एंड गिवन सीरीज फॉर्म्स एन एपी, ठीक है, एपी में है। अब नेक्स्ट थ्री टर्म निकालो, नेक्स्ट थ्री टर्म्स निकालोगे
सिंपली a5 निकालोगे, -1/2, -0, -1/2 होगा। इसी तरीके से a6 में भी -1/2 होगा और a7 में भी आपका -1/2 होगा। ऐसे निकालो कॉमन डिफरेंस, a2 -a1 करोगे, 3 -1 2 होगा, a3 -a2 करोगे, 9 -3 6 होगा, और a4 -a3 करोगे, 27 -9 18 होगा। तो सिंपली कॉमन डिफरेंस जो है सेम नहीं है, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, देयरफॉर द गिवन सीरीज डज नॉट फॉर्म एन एपी। तो ये एपी फॉर्म नहीं कर रहा है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, यहाँ पे सिंपली a2 -a1 करो कॉमन डिफरेंस, 2a -a यहाँ से ये आ जाएगा। उसके बाद a3 -a2 करोगे, 3a -2a तो भी ये आ जाएगा। a4 -a3 करोगे सिंपली 4a -3a तो भी ये आ जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हो जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस इज सेम एंड डी इज इक्वल टू ए एंड द गिवन गिवन सीरीज फॉर्म्स एंड एपी। तो ये एपी में है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट थ्री टर्म्स, अगला तीन टर्म निकालोगे सिंपली a5 जो कि आपका 4a प्लस a, तो ये 5a, a6 आपका 6a, a7 आपका 7a। तो ये टर्म्स आ गए। देन उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 11। सिंपली a2 -a1 करोगे तो ए स्क्वायर -a, सिंपली ए कॉमन लोगे तो ए -1 हो जाएगा। उसके बाद a3 -a2 करोगे, a3 -a2 हो जाएगा। उसके बाद a2 कॉमन लेना होगा, ए -1, और a4 -a3 करेंगे, a4 -a3 सिंपली a3 a -1। तो यहाँ पे देख सकते हो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। लिख दो कि सी डी इज नॉट सेम, ठीक है, देयरफॉर देयरफॉर गिवन सीरीज डज नॉट फॉर्म एन एपी। ये एपी फॉर्म नहीं कर रहा, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12। तो a2 -a1 करेंगे हम लोग, तो √8 -√2। तो सबसे पहले तो इसको चेंज करना होगा, √8 को, √8 को चेंज करोगे तो ये हो जाएगा आपका 2√2 -√2। सिंपली √2 बचेगा। उसके बाद a3 -a2 करोगे जो कि होगा आपका √18 -√8। तो √18 कितना हो जाएगा आपका, 3 3 9 9 3√2 -2√2। देन उसके बाद √2 होगा। उसके बाद a4 -a3 करोगे तो √32 -√18। तो ये आप क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4√2 -3 √2। तो ये आपका √2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। लिख दो सी डी इज सेम,
कॉमन डिफरेंस सेम है और डी इज इक्वल टू क्या है आपका, रूट टू है एंड गिवन सीरीज आर इन एपी। ये जो सीरीज है ये किसमें है, ये एपी में, सिंपली A5 जो कि √32 प्लस √2। √32 आप कितना लिखो, 4√2 लिखो ना, प्लस √2 तो सिंपली 5√2 हो जाएगा। और 5√2 को अगर इसमें करोगे तो √50 हो जाएगा, क्योंकि ये रूट के अंदर आएगा तो 25 × 250। इसी तरीके से A6 √50 प्लस √2 तो सिंपली 6√2 होगा और ये हो जाएगा आपका √72। और A7 6√2 प्लस √2 तो होगा 7√2 और ये हो जाएगा √98, जो कि आपका क्या है नेक्स्ट 3 टर्म्स है। तो ये आपको निकालना था। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। A2 - A1 करो √6 - √3। तो सिंपली √6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3 × √2 - √3। तो सिंपली √3 अगर कॉमन लेंगे, √2 - 1 होगा, फिर आपका A3 - A2 √9 - √6। √9 होता है आपका 3 - 3 6, √6 है ना, √6। और सिंपली 3 - √6 कुछ होगा ही नहीं, तो मान लो अगर आप इसको और थोड़ा एक्सपेंड करते हैं तो ये मैच ही नहीं करेगा। अगर ऐसे लिखते हो √3 × √3 - √3 × 2, सिंपली √3 अगर कॉमन लेते हो तो यहाँ पे √3 - √2, तो यहाँ देख सकते हो यहाँ यहाँ मैच नहीं कर रहा है। इसके अलावा A4 - A3 करें, सिंपली √12 - √9 ये करोगे, ये तो सिंपली 2√3 - √3 × √3 ये करोगे तो सिंपली हो जाएगा आपका √3 कॉमन लोगे और 2 - √3, 2 - √3, तो यहाँ से ये मैच नहीं हो रहा है। तो सिंपली लिख दोगे ना, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, देयरफॉर गिवन सीरीज डज नॉट फॉर्म एन एपी। चलो क्वेश्चन नंबर 14, वन के फोर जो आपका 14 है वो है 1 9 25 और ये 49। तो आपको देखने ही से लग रहा है कि एपी में नहीं है। वह लिख देते हैं A2 - A1 9 - 1 8 होगा, A3 - A2 - 9, माइनस कर दो ये भी सेम नहीं होगा, और A4 - A3 यानी कि 49 - 25 ये आपका 24 और ये 24 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो ये देख सकते हो ये सीरीज क्या है, जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, ठीक है, देयरफॉर दिस सीरीज इज नॉट इन एपी, ये एपी में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 15 में, यहाँ पे 73 है, इस बात का ध्यान रखना, ये 1 हो गया, ये 25, ये 49 और ये 73, ठीक है। उसके बाद सिंपली A2 - A1 करोगे तो 25 - 1 24, उसके बाद A3 -
82 करोगे तो ये आपका 49 माइनस 25 जो भी 24 होगा, और A4 माइनस A3 करोगे तो ये 73 माइनस 49 ये भी आपका 24 होगा। तो यहाँ आप देख सकते हो कॉमन डिफरेंस सेम है, देखो C कॉमन डिफरेंस इज सेम, देयरफॉर यहाँ से D आपका 24 आ गया एंड देयरफॉर गिवन सीरीज आर इन AP, AP में अब नेक्स्ट थ्री टर्म निकालो, नेक्स्ट थ्री टर्म्स सिंपली A5 जो कि आपका 73 प्लस 24 तो ये करोगे ये 97 हो जाएगा, A6 आपका 97 प्लस 24 121 हो जाएगा, और A7 आपका 121 प्लस 24 145 हो जाएगा। तो बस इस क्वेश्चन में इतना ही करना था। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जाके ज्वाइन कर सकते हो वीडियोस के अपडेट के लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, और चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब जरूर से करना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।